हाई एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बनाएंगे कच्चे आम का जैम। बिल्कुल नेचुरल बनाएंगे, इसमें हम कोई प्रिजर्वेटिव कोई केमिकल ऐड नहीं करेंगे और ये बहुत जल्दी बनने वाला है। ये सिर्फ 15 मिनट के अंदर बिल्कुल तैयार हो जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आजकल क्योंकि कच्चे आम या आम सीज़न में हैं, बहुत इजीली अवेलेबल हैं, तो आप भी इसको बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगा। हम इसको प्रिजर्व करने के लिए कोई केमिकल नहीं डालेंगे, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालेंगे, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डालेंगे, लेकिन फिर भी ये लंबे समय तक हम इसको रख सकते हैं। कैसे और उसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, ये सारे टिप्स मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी। तो चलिए देखते हैं हम कैसे बनाएंगे इस नेचुरल मैंगो जैम को। तो यहाँ आम का यानी मैंगो का जैम बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 300 ग्राम्स कच्चे आम रॉ मैंगो, आधा नींबू मैं ले रही हूँ जो हमारे प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, और 1.5 कप चीनी मैं ले रही हूँ, 1.5 कप शुगर, 1 पिंच एक चुटकी सिनेमन पाउडर हम इसके अंदर डालेंगे जिससे कि बहुत अच्छी स्मेल आएगी हमारे जैम में। अब इन कच्चे आमों को मैंने अच्छी तरह से धोकर छील कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इन कटे हुए आमों को मिक्सर में डालेंगे और इनका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। थोड़ी सी शुगर मैं ऐड कर दूंगी इनके साथ, सारी नहीं डालूंगी, थोड़ी सी शुगर ऐड कर दूंगी, ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून शुगर मैं इन कच्चे आमों को ब्लेंड करने में डाल दूंगी। हाफ कप पानी यानी आधा कप पानी भी हम इसमें ऐड करेंगे जिससे कि हमारी जो आम की प्योरी है वो बहुत अच्छे से बहुत स्मूथ बन जाए। देखिए ये प्योरी हमने तैयार कर ली है आम की, मैंगो की। अब हम गैस पर मीडियम फ्लेम पर एक पैन रखेंगे, नॉनस्टिक पैन रखना है आपको। एल्यूमिनियम का कोई भी यूटेंसिल कोई बर्तन ये जैम बनाते हुए यूज़ बिल्कुल नहीं करना है आपको, या तो स्टेनलेस स्टील यूज़ करना है या फिर आपको हार्ड एनोडाइज्ड कोई भी बर्तन इस्तेमाल करना है, लेकिन एल्यूमिनियम आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस प्योरी में बची हुई शुगर भी ऐड कर दी है और जो 1 पिंच सिनेमन पाउडर हमने लिया था वो भी मिक्स कर दिया है इसके साथ ही। अब हमें गैस को मीडियम फ्लेम पर रखना है और इस प्योरी को हमें चलाते जाना है। मीडियम फ्लेम पर रखते हुए ही हमें इसे चलाना है, गैस को बढ़ाना नहीं है हमें फ्लेम को। शुरुआत में क्योंकि हम इसके साथ चीनी ऐड करेंगे तो इनिशियली ये थोड़ा वाटरी थोड़ा और पतला हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ये रिड्यूस होगा आप देखेंगे कि इस थिकनेस बढ़ती चली जाएगी। बस मेन ट्रिक ये है कि आपको रुकना नहीं है, इसे चलाते जाना है। देखिए थोड़ा थोड़ा थिक हमारा जैम होने लगा है, लेकिन अभी भी हमें थोड़ी ज़रूरत है इसे और थिक करने की, तो हम इसे चलाते रहेंगे और ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। अब क्योंकि ये लगभग इतना तैयार हो गया है जैसे हमें चाहिए, तो हम इसमें ऐड कर देंगे अपने वो हाफ नींबू का जूस। उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम इस जैम के अंदर और नेक्स्ट 1 मिनट के लिए फिर से इसे पकाएंगे जिससे कि वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। ये लेमन जूस जो है, नींबू का रस, ये इसमें प्रिजर्वेटिव की तरह काम करेगा क्योंकि हम इसमें बाहर से कोई केमिकल ऐड नहीं कर रहे हैं, कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं कर रहे हैं, कोई विनेगर ऐड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसमें आधे नींबू का जूस डाल रहे हैं। अब 1 मिनट और इसे अच्छी तरह से चलाने के बाद देखिए हमारा जैम रेडी है, और रेडी है ये टेस्ट करने के लिए हम इसे एक फ्लैट कटोरी या प्लेट पर थोड़ा सा डालकर देखेंगे, उसको थोड़ा टिल्ट करेंगे, झुकाकर देखेंगे, अगर हमारा जैम मूव नहीं कर रहा है प्लेट या कटोरी से, वहीं पर है जहां पर हमने उसे डाला है और स्टिक हो गया है, तो इसका मतलब हमारा जैम रेडी है। अब हम गैस ऑफ करके इसे उतार लेंगे
वेट करेंगे इसके ठंडा होने का, और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तो इसकी थिकनेस हमारी बाज़ार वाले जैम जैसी हो जाएगी। देखिए हो गई है, तो हम इसे एक ग्लास के कंटेनर में भर कर रख लेंगे। इसको अगर आप फ्रिज में नहीं रखेंगे, बाहर रखेंगे, तो आप इसे एक महीना आराम से यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो आप इसको 6 महीने से भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। कुछ प्रिकॉशंस आपको लेनी है, जैसे कि आपको इसमें हार्ड डालकर जैम नहीं निकालना है, गीली स्पून आपको इसके अंदर नहीं डालनी है, और अगर आप किसी स्पून से जैम निकाल रहे हैं तो उस स्पून से अपने ब्रेड या पराठे पर लगाने के बाद वापस वही स्पून आपको इस बॉटल के अंदर नहीं डालनी है। अगर आप ऐसा सब करेंगे तो आपका जैम बहुत अच्छा और लंबा चलने वाला है। सो गाइस, ये है कच्चे आम का नेचुरल जैम जो हमने सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनाया, और हमें सब कुछ करने में मैक्सिमम 15 मिनट लगे। 15 मिनट में हमारा जैम तैयार हो गया। इस जैम को आप पूरी, पराठा, ब्रेड इन सब के साथ तो यूज़ कर ही सकते हैं, आप इसको स्मूदी में भी ट्राई कर सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सो गाइस, ट्राई करिएगा इस कच्चे आम के जैम को, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जैम कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।